जय हिंद जय माता दी दोस्तों, होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आई हूँ आप लोगों के लिए एक कुछ मुझे एक बहुत दिनों से एक बात सता रही है, ताकि मैं जब भी सुनती हूँ लड़कियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। मैं अब ये रेप होने से तो नहीं रोक सकती हूँ, क्योंकि जो हो रहा है वो तो बड़े बड़े मंत्री भी नहीं रोक पा रहे हैं। आपस में लड़ते हैं कि इसके इसकी सरकार में ये होता है, इसकी सरकार में ये होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबकी ही सरकार में रेप होते हैं, चाहे वो बड़ी हुई चाहे वो मासूम बच्ची हो, रेप सबकी सरकार में होते हैं, किसी की भी सरकार में रेप नहीं रुकते हैं। ठीक है, मेरी बात का कहने का मतलब ये है, कुछ लड़कियां और कुछ लेडीज हैं जो काफ़ी उम्र की होती हैं, हमारी माँ से भी काफ़ी उम्र की होती हैं, 50-50 साल की जो लेडीजें होती हैं उनकी एज जो होती है, वो लोग जो कपड़े उठा के साया उठा उठा के वीडियो बनाती हैं, कुछ लड़कियां तो चड्डी बनियान में वीडियो बना रही हैं, कुछ औरतों को भी मैंने देखा है कि इतनी शर्म उतार के उन्होंने भेज दी अपनी, कि मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं लेडी मैं किसी और के लिए वीडियो नहीं बनाई हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं दो लोगों के लिए वीडियो बनाई हूँ जो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं या फिर चड्डी बनियान में ही वीडियो बना देती हैं। कुछ लोग तो चड्डी बनियान भी नहीं पहनती हैं और साया उठा उठा के लेडीजें वीडियो बनाती हैं। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है, तो कोई गलत मत सोचिएगा। मैं सिर्फ उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ जो गंदी वीडियो बनाते हैं, कि आप जैसे लोगों की वजह से कुछ लोगों के, कुछ लड़कों के माइंड ख़राब हो जाते हैं, उनके मूड ख़राब हो जाते हैं, और उनको छोटी छोटी वो लोग जब उनके आपकी वीडियो को देख के उनके जब मूड ख़राब होते हैं, तो वो लोग पता है क्या करते हैं, आपकी वीडियो देख के जब उनका मूड ख़राब होता है तो वो जाकर छोटी छोटी बच्चियों के साथ, तब उनकी हैवानियत इतनी जाग उठ जाती है, उन इतनी हैवानियत हो जाती है उनके अंदर पैदा, कि वो 5 साल की, 3 साल की, 2 साल की, 10 साल की मासूम बच्ची तक उनको नज़र नहीं आती कि ये छोटी है या बड़ी है। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के सिर्फ इतना ही निवेदन है कि जब आप छोटे कपड़ों में या बिना कपड़ों की वीडियो बनाया करें, तो अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाला करें, ताकि आप जैसे लोगों की वीडियो देखकर बगैर कपड़ों की या जो भी आपकी वीडियो देखकर किसी लड़के का मूड ख़राब होता भी है, तो वो लोग डायरेक्ट आपसे मिलके कॉन्टेक्ट करके आपसे मिलेंगे और अपना जो भी उनका मूड ख़राब हो रहा है, जो उनके अंदर आ रही है ना, वो आपके साथ ही सब कुछ तुमसे मिलके बैठ के तुम्हारे साथ सो के जैसे भी है शांत तो कर सकते हैं ना, वो अपना मूड शांत कर सकते हैं। इसलिए मेरा यही कहने का, मैंने ये वीडियो सिर्फ इसी उद्देश्य से बनाई है, कि अगर आप जैसे लोग आज ऐसा ना वीडियो बनाएं, इतनी गंदगी आप लोगों ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम फेसबुक पर हर जगह इतनी गंदगी मचा रखी है, आप जैसे लोगों की वजह से ही इस देश के लड़के लड़कों के मूड ख़राब होते हैं, और इसीलिए वो लोग अपना मूड, जब उनके मूड ख़राब हो जाते हैं तो वो आपका तो एड्रेस पता जानते ही नहीं है, और वो उस चीज़ का गुस्सा कहाँ निकालते हैं पता है, वो अपना मूड शांत करने के लिए किसी को भी शिकार बना लेते हैं, छोटी बच्ची को, 3 साल की बच्ची हुई, 5 साल की, 10 साल की, यहाँ तक कि मैंने 2 साल तक की बच्चियों का रेप होते हुए भी सुना है। अभी आपने सुना होगा एक केस हुआ था, जो किसी एक आदमी ने एक लड़की को पहले जिंदा मार, पहले मतलब उसको मार दिया, मारने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को नोच नोच के मुंह से उसने खाया है। तो जानते हो ये सिर्फ तभी होता है जब आदमी आप जैसे लोगों की नंगी नंगी वीडियो, बगैर कपड़ों की वीडियो देखता है, आप साया उठा उठा के वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग तो कपड़े ही नहीं पहनते, नीचे का मतलब मुँह ढक लेते हैं, नीचे नीचे का सीन दिखाते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। या तो आप ये गंदगी बंद कर दो, या तो आप सुधर जाओ, और नहीं तो अपना डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और मोबाइल नंबर जरूर डाला करें, ताकि किसी का मूड ख़राब हो तो वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करे और आपसे मिलकर आए, तो उसको शांति मिले और हमारे देश की बहुत सारी बहन बेटियों के साथ रेप होने से बचेगा। तो मेरी जो बात से सहमत है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर जरूर कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।